नमस्कार, मैं हूं वंशिता। दिव्य हिमाचल टीवी देख रहे हैं आप। प्रदेश भर की अहम खबरों पर नजर डालेंगे आज के न्यूज बुलेटिन में, पर सबसे पहले मेन हेडलाइंस। दिस न्यूज बुलेटिन इज ब्रॉट यू बाय गोयल मोटर्स सोलन। अनुराग ठाकुर के शपथ लेते ही खुशी में झूम उठा हिमाचल, प्रमोशन पर लोगों ने बांटे लड्डू। हिमाचल में बंद रहेंगे स्कूल, मंत्रिमंडल की बैठक में कॉलेज के सैकड़ों छात्र प्रमोट, आशा वर्कर्स को मिली सौगात। सैलानियों की भीड़ से बड़े खतरे में हिमाचल, लापरवाह लोगों से स्वास्थ्य विभाग टेंशन में। हिमाचल में नई शिक्षा नीति पर लगी मुहर, अब तीसरी, पांचवी और आठवीं में फिर होगा वोट। ज्वालामुखी अड्डे से एचआरटीसी की बस चोरी होने पर ड्राइवर और कंडक्टर सस्पेंड, लापरवाही पड़ी भारी। सेब के डिमांड से बागवानों के चेहरे पर आई लाली, 900 रुपए बढ़े पर किस्म के रेट। हिमाचल में प्रचंड गर्मी से झुलसा, भारी बारिश का अलर्ट, ऊना का पारा 41 डिग्री के पार। और अब खबरें विस्तार से। हिमाचल का छोकरा, हमीरपुर का सांसद और केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री अनुराग ठाकुर की मोदी कैबिनेट में प्रमोशन पर समूचा हिमाचल खुशी से झूम उठा। केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री रहते बेहतरीन काम का इनाम मिलने पर अनुराग के राष्ट्रपति भवन में शपथ लेते ही पहाड़ का सीना गर्व से चौड़ा हो गया। विस्तार से पेश है यह रिपोर्ट। केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री अनुराग ठाकुर के बुधवार को राष्ट्रपति भवन में कैबिनेट मंत्री के रूप में पद और गोपनीयता की शपथ लेते ही हिमाचल खुशी से झूम उठा। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने उन्हें गरिमामय समारोह में शपथ दिलाई। श्री अनुराग सिंह ठाकुर, मैं अनुराग सिंह ठाकुर ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण रखूंगा। मैं संघ के मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतकरण से निर्वहन करूंगा तथा मैं भय, पक्षपात, अनुराग या द्वेष के बिना सभी प्रकार के लोगों के प्रति संविधान और विधि के अनुसार न्याय करूंगा। मैं अनुराग सिंह ठाकुर ईश्वर की शपथ लेता हूं कि जो विषय संघ के मंत्री के रूप में मेरे विचार के लिए लाया जाएगा अथवा मुझे ज्ञात होगा उसे किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को तब के सिवाय जबकि ऐसे मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों के सम्यक निर्वहन के लिए ऐसा करना अपेक्षित हो मैं प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से संसूचित या प्रकट नहीं करूंगा। केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री रहते अनुराग ठाकुर की बेहतरीन शैली और कामकाज से प्रभावित प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उन्हें प्रमोशन कर उन्हें केंद्रीय कैबिनेट में जगह दी है। हिमाचल का छोकरा के नाम से मोदी के दिल में जगह बनाने वाले अनुराग ठाकुर इससे पहले भारतीय जनता युवा मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष और बीसीसीआई के अध्यक्ष जैसे अहम पदों पर रह चुके हैं। बुधवार को केंद्रीय कैबिनेट में अनुराग ठाकुर के शपथ लेते ही लोगों ने जमकर पटाखे फोड़े और लड्डू बांटकर जश्न मनाया। कोरोना की तीसरी लहर के महाखतरे के बीच हिमाचल सरकार अलर्ट हो गई है। सरकार ने प्रदेश भर के जिलाधीशों और पुलिस अधीक्षकों को दो टोक निर्देश दिए हैं कि वे सुनिश्चित करें कि पर्यटक स्थलों पर कोविड उपयुक्त व्यवहार हो रहा है या नहीं। राजधानी शिमला के पीटर हॉफ में मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर की अध्यक्षता में बुधवार को मंत्रिमंडल की बैठक हुई। बैठक में कोरोना के हालात पर समीक्षा की गई। इसके साथ ही सभी सामाजिक, अकादमिक, मनोरंजन, राजनीतिक और सांस्कृतिक समारोहों सहित शादियों व अन्य समारोहों में लोगों की हाजिरी बढ़ाने का फैसला लिया गया। इसके लिए इंडोर में कुल क्षमता का 50% और अधिकतम 200 लोगों को शामिल होने की अनुमति होगी। वहीं जबकि खुली जगह पर आयोजित होने वाले कार्यक्रमों में मैदान की कुल क्षमता के 50% लोग जमा हो सकेंगे। इसके साथ ही हिमाचल विधानसभा का मॉनसून सत्र 2 से 13 अगस्त 2021 तक आयोजित करने के लिए राज्यपाल को सिफारिश भेजने का निर्णय भी लिया गया।
मंत्रिमंडल ने आशा कार्यकर्ताओं के अतिरिक्त मानदेय को 2000 रुपए से बढ़ाकर 2750 रुपए प्रतिमाह करने का फैसला भी लिया। बैठक में प्रदेश भर के सभी स्कूलों को अगले आदेशों तक बंद रखने का निर्णय लिया गया। इसके साथ ही कॉलेज के प्रथम और द्वितीय वर्ष के छात्रों को प्रमोट कर दिया गया है। हिमाचल में पर्यटक स्थलों पर उमड़ी सैलानियों की भीड़ से कोरोना का खतरा बढ़ गया है। प्रदेश भर में उमड़ आए सैलानियों के सैलाब से सरकार और स्वास्थ्य महकमा चिंतित हो गए हैं। पेश है यह रिपोर्ट। हिमाचल के पर्यटक स्थलों पर उमड़ी सैलानियों की भीड़ ने हिमाचल को डरा कर रख दिया है। बुधवार को स्वास्थ्य विभाग ने चेतावनी जारी की है कि वायरस के काफी ज्यादा म्यूटेंट अभी भी मौजूद हैं। ऐसे में ये तीसरी लहर को बुलावा देने जैसा है। इस बीच पर्यटक स्थलों पर उमड़ रही लोगों की भारी भीड़ आग में घी डालने का काम कर रही है। ऐसे में अगर लोगों ने संयम और कोविड प्रोटोकॉल का पालन नहीं किया तो तीसरी लहर को हिमाचल में आने से कोई नहीं रोक पाएगा। स्वास्थ्य विभाग का कहना है कि बेशक कोरोना महामारी का प्रभाव कम हुआ है और नए मामलों की संख्या में गिरावट दर्ज की गई है, पर अभी कोरोना खत्म नहीं हुआ है, लिहाजा लापरवाही जान पर भारी पड़ सकती है। नई शिक्षा नीति पर हिमाचल सरकार ने मुहर लगा दी है। अब तीसरी, पांचवी और आठवीं कक्षा को बोर्ड का दर्जा मिल गया है। बुधवार को मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर की अध्यक्षता में हुई मंत्रिमंडल की बैठक में इस पर मुहर लग गई है। विस्तार में देखिए यह रिपोर्ट। हिमाचल में अब तीसरी, पांचवी और आठवीं कक्षा में भी बोर्ड होगा। दसवीं, ग्यारहवीं और बारहवीं कक्षा के साथ साथ अब तीसरी, पांचवी और आठवीं की कक्षाओं को भी बोर्ड बना दिया गया है। अब इन कक्षाओं के फाइनल प्रश्न पत्र बोर्ड की ओर से तैयार किए जाएंगे। वहीं तीसरी की फाइनल परीक्षाओं के पेपर क्लस्टर स्कूलों में चेक होंगे, जबकि पांचवी के ब्लॉक और आठवीं के जिला स्तर पर चेक किए जाएंगे। न्यू एजुकेशन पॉलिसी लागू करते हुए सरकार ने अभी यह तय नहीं किया है कि इन कक्षाओं के छात्रों को फेल किया जाएगा या नहीं, पर हिमाचल में नई शिक्षा नीति लागू कर दी गई है। ज्वालामुखी बस स्टैंड से एचआरटीसी की बस लेकर भागे शिमला के शोधी के सिरफिरे की गलती का खामियाजा ड्राइवर और कंडक्टर को भुगतना पड़ा। आरएम देहरा ने लापरवाही बरतने पर दोनों मुलाजिमों को सस्पेंड कर दिया। ज्वालामुखी बस अड्डे से रात को शिमला के लिए लिफ्ट ना मिलने से झल्लाकर एचआरटीसी की बस लेकर भागे शातिर की करतूत ड्राइवर और कंडक्टर पर भारी पड़ गई। रविवार देर रात देहरा डिपो की बस लेकर भागे आरोपी को हालांकि दारला घाट के पास पकड़ लिया था, पर इस केस में आरएम देहरा ने चालक और परिचालक को निलंबित कर दिया। बता दें कि यह बस रविवार रात को ही चंडीगढ़ से वापस ज्वालामुखी पहुंची थी। आरएम देहरा कुशल कुमार ने इस मामले में लापरवाही से बस खुली रखने और साथ ही चाबी भी गाड़ी में रखने पर ड्राइवर और कंडक्टर को दोषी पाकर उन पर कार्रवाई की। बता दें कि पेशे से ट्रक ड्राइवर आरोपी राकेश कुमार को दारला घाट के दानों घाट में पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया था और कोर्ट ने उसे 50,000 के मुचलके पर रिहा कर दिया। हिमाचल की मंडियों में दस्तक के साथ ही मिल रहे सेब के रेट ने बागवानों के वारे न्यारे कर दिए हैं। मंडियों में पहुंच रही सेब की पेटियां अब हाथों हाथ बिकने लगी हैं। शिमला से विस्तार से देखिए यह रिपोर्ट। हिमाचल में सेब सीजन धीरे धीरे रफ्तार पकड़ने लगा है। शिमला के भट्टा कुफर फल मंडी में बुधवार को करसोग से सेब की स्पर वैरायटी के 13 बॉक्स पहुंचे और देखते ही देखते 2,900 रुपए प्रति पेटी के हिसाब से बिक गए। बताया जा रहा है कि स्पर के रेट में एक साथ ही 900 रुपए का इजाफा हुआ है। वहीं टाइडमैन सेब के दाम 1,700 रुपए प्रति बॉक्स के हिसाब से मिल रहे हैं। उधर रॉयल वैरायटी का सेब 2,000 रुपए तक प्रति पेटी बिक रहा है। सेब के उम्दा दाम मिलने से बागवानों के चेहरे खिल गए हैं और अब सीजन हिमाचल में लगातार रफ्तार पकड़ने वाला है। इसके लिए तमाम तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। मौसम विभाग के भारी बारिश और तूफान के अलर्ट के बीच खिली धूप ने हिमाचल में लोगों को पसीना पसीना कर दिया। बुधवार को विभाग का भारी बारिश का पूर्वानुमान सूरज के सितम के आगे धू धू कर जल गया और उसकी गर्मी से लोग दिन भर झुलसते रहे। मौसम विभाग के पूर्वानुमान के ठीक उलट हिमाचल में बुधवार को खिली धूप से भीषण गर्मी का कहर जारी रहा। ऊना का पारा एक बार फिर से 41 डिग्री सेल्सियस के पार हो गया। वहीं कांगड़ा, बिलासपुर, कुल्लू, हमीरपुर, सिरमौर और सोलन के मैदानी इलाकों में भी प्रचंड गर्मी पड़ रही है। मानसून के कमजोर पड़ने के बाद मैदानों सहित पहाड़ों पर लोग उमस भरी गर्मी की मार झेलने को मजबूर हैं। मौसम विभाग ने अब फिर से प्रदेश में 11 जुलाई तक भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है। इस दौरान ज्यादातर इलाकों में झमाझम बारिश होगी।
मौसम विभाग की माने तो प्रदेश में अगले 4 दिन तक भारी बारिश के आसार हैं और इसके लिए अलर्ट जारी किया गया है। और अब चलते चलते सिरमौर के शिलाई में शादी का झांसा देकर नाबालिग का अपहरण कर रेप, आरोपी मौके से फरार, पुलिस कर रही छानबीन। शिमला में एटीएम बदलकर महिला के खाते से उड़ाए 42,000, बैलेंस चेक करने का बहाना बताकर शातिरों ने लगाई चपत। परवाणों में केमिकल बिजनेस के लालच में 16.5 लाख की ठगी, सस्ती सप्लाई का हवाला देकर गायब। कांगड़ा दौरे पर पहुंचे डीजीपी संजय कुंडू ने जिला की सीमाओं का किया निरीक्षण, पुलिस कर्मचारियों को किया सम्मानित। हिमाचली तड़का में देखिए सुनील राणा की ये बेहतरीन प्रस्तुति। बुलेटिन में आज के लिए बस इतना ही, देखना ना भूलें 9:30 बजे शिमला से हमारा विशेष लाइव प्रसारण।